अजय भोजन कर लो। नहीं, मुझे अभी भोजन नहीं करना है, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। अरे मुझे क्यों हॉस्पिटल लेकर जाना है? तुम जानती नहीं हो, तुम्हारे घर में लड़की है, अबॉर्शन कराना है। अजय तुम ये क्या कह रही हो? तुम समझ रही हो तुम क्या कह रही हो? मैं एक माँ हूँ, एक माँ हूँ मैं। भले मैं अपने बच्चे को क्यों गिरवाना चाहूंगी? देखो तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते और मैं किसी भी कीमत पर अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। देखो तुम समझना नहीं चाहते या समझ रहे हो या समझना नहीं चाहते हो। चिंता मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। वादा करती हूँ मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर इस संसार में ला कर लूंगी, चाहे फिर मेरी एक बेटी हो और दूसरी ही क्यों ना हो जाए, मुझे कोई ऐतराज नहीं। क्योंकि आज के समय पर बेटी बेटों से बढ़कर होती, और मेरी माँ कहा करती थी कि बेटों से लाख गुना अच्छी होती हैं बेटियां, और माँ बाप की सेवा करने वाली भी बेटियां होती। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, मैं भूल हत्या तो कभी नहीं करूंगी। एक जीव की हत्या ये तो महापाप है, और कन्या भ्रूण हत्या तो कलंक है, कलंक इस समाज का। नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी, मैं तुम्हें बड़ा करूंगी और बड़े होकर मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाऊंगी और तुम इस देश के लिए बड़े बड़े काम करोगे, ये मेरा वादा है। जब तक एक माँ अपनी दृढ़ता नहीं दिखाती तब तक भ्रूण हत्या होती रहेगी। इसलिए बेटी यह दृढ़ता मैं तुम्हारे लिए दिखाना चाहूंगा। ना जाने बेटों की लालच में कितनी ही बेटियां एबॉर्शन का शिकार हो जाती हैं, वो मासूम बेटियां कूप में ही मारी जाती हैं। आखिर क्या कसूर है उस लाचार माँ का, क्या कसूर है उस मासूम बच्ची का, उस अजन्मे बच्चे का जो अब तक इस संसार में भी नहीं आया, उसे लड़की मानकर मार दिया जाए। क्या बुराई है एक बेटी में? आजकल दुनिया में बेटों से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है बेटी, और बेटियां ना हो तो ये संसार ही कहाँ? बताओ अच्छा तुम ही बताओ, एक बेटी में क्या बुराई है? अगर तुम्हें नहीं पालना तो मैं अकेली पालूंगी अपनी बच्ची को, क्योंकि जब एक माँ दृढ़ता दिखाती है तो मैं अपनी बच्ची को अकेले पाल भी सकती हूँ। मैं तुम्हें संसार में लाकर थैंक यू।